तो आपको संकोच हुआ था मेरे किस करने पर या शर्माने पर? पसीने आया था। नहीं, मुझे लगा था कि हो जाएगा। ये सबसे अच्छा विलन है। ये ऐसा विलन है कि एक मैं मर्द हूँ, मर्द में बहुत तरह के गेटअप ले सकता हूँ, दाढ़ी लगा सकता हूँ, मूंछ, लेकिन इसमें जो एक औरत का रूप लेना, तो अपने आप आधा तो कैरेक्टर बन जाता है जब आप वेशभूषा में आते हैं। दूसरा कि हमारे साथ जो डायरेक्टर अगर सही मिल जाए, वो बताएं कि ऐसा करना है, चीज़ें बन जाती। कोई एक्टर अगर साथ मिल जाए तो बनती चली गई और बन गई। अवधेश ने बहुत मेहनत की है, ये हमने खुद देखा। इसमें सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, हमारे डायरेक्टर साहब ने साथ दिया, जगदीश शर्मा जी ने, रवि किशन ने बहुत साथ दिया, रानी चटर्जी तो बिल्कुल औरत ही बना दी थी मुझे, तो सबका साथ रहा है। बाकी मेरे अंदर थोड़ी सी कमीनगी है, वो इस सिनेमा में विलेन चूँकि करना था तो कमीनगी लाया मैंने। आप ये रोल में जब आए तो फिर इसमें आपको कुछ ऐसा संकोच नहीं आया कि मैं ये रोल कर रहा हूँ और कहीं मेरे से कुछ गलत हो गया तो फिर? नहीं, गलत हो गया ऐसा कभी सोचा, डर नहीं लगा मुझे कभी भी नहीं। पहला शॉट में थोड़ा सा, पहली बार जब साड़ी और साया और पूरा, सर आप ही ऐसा पहला भोजपुरी फिल्म में जो आप ऐसा रोल कर रहे हो, इसके बाद दीपक भाटिया करने वाले, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं, मेरे के पहले भी बहुत लोगों ने किया, हिंदी फिल्म में सदाशिव जी ने किया। बात कर ज्वाला मंडी की, तो आप रानी जी से क्या सवाल जवाब करेंगे ज्वाला मंडी के बारे में और उनके कैरेक्टर में? रानी जी से क्या सवाल जवाब करूं? मैं हमेशा एक विलेन, मर्द विलेन बन के इनको सताता था, इनको तकलीफ देता था। मुझे संकोच हुआ था, मैं बताना चाहूँगी, जब इनके साथ मेरा सीन था और मेरे रिटेक हो रहे थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर फिल्म में मैं इनको जब भी कोई गाली देती थी, साले हरामजादे, बट इस फिल्म में मुझे इनको गाली देनी थी हरामजादे। तो माय गॉड, मेरे तो रिटेक्स हो रहे थे क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी और मैं नहीं कर पा रही थी। बाद में भी मैंने, जी हाँ, गाना भी किया जिसमें मैं इनको छेड़ रही हूँ और ये शर्मा रहे एकदम, तो ये चीज़ मुझे हमेशा याद। एक अलग अनुभव निश्चित तौर पर कलाकार के जीवन में होता है, और जो मेरे जीवन में ये शायद अभी तक का सबसे अलग अनुभव था, बेहतरीन अनुभव था। कोशिश भी किया और सबसे अच्छी बात है, थैंक्स गॉड, लोगों ने सराहा। इस फिल्म में एक घटना है जो मैं हमेशा याद रखूंगा, मैं मर के बचा हूँ। मैं ICU में चला गया था एक एक्सीडेंट में, सिनेमा में क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे सर में चोट लगा, तो ये याद रहेगा जीवन भर। आज भी जब थोड़ा सा 2-3 राउंड घूम लेता हूँ तो चक्कर आने लगता है, तो वो हमेशा का चक्कर लग गया इस सिनेमा से। सिमरी रानी जी, हम बात करेंगे कि अवधेश जी को रिझा रही है सीमा सिंह आई प्रोनाउंस करके, तो इसे कुछ सीमा जी बता सकती हैं? सीमा जी बहुत अच्छा डांस करती हैं, हम फेमस डांसर हैं, और डांस के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इनके साथ मैंने एक फिल्म की जो अभी आने वाली है नागिन, उसमें इनका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कैरेक्टर है और इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। अब सीमा पहले तो इस फिल्म के लिए बोलूँगी कि ज्वाला मंडी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और ये सुन का गाना मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत हटकर है, क्योंकि हर गाने में मुझे हमारे विलन जैसे ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, बहुत छेड़ते हैं, पर नसीब मेरा कि इस गाने में मुझे इन लोगों ने नहीं छेड़ा है। और जैसे ही सेट पर मैंने अवधेश मिश्रा जी को देखा, मुझे ऐसा लगा मुझे कॉम्पिटिशन देने के लिए दूसरी आइटम गर्ल पैदा हो गई इंडस्ट्री में। तो बहुत अलग और बहुत हटकर है ये गाना, और गाने के बोल भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है 2020 मैच, तो मेरा गाना उसी के ऊपर है, 2020 मैच खेले में बालम मुरस्ता, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। इनके आइटम के बारे में ये कहूँगा, मेरे इस फिल्म का पहला शॉट था इन्हीं के साथ था, जब मैं पहली बार औरत बना था, तो एक खूबसूरत आइटम के सामने आइटम बनना, पसीने तो आ ही गए थे इसमें कोई शक नहीं, मुझे पसीना आया था। और सीमा जी मुझे बहुत परेशान करती थी, ये सत्य है, मैं इनको बहुत परेशान करता हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे पे भी बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे उस दिन बहुत परेशान किया, मुझे, हाँ, मुझे लड़की के रूप में देख करके इतना छेड़ा इन्होंने, तो शायद मैं कभी छेड़ा हूँ इनको। ज्वाला मंडी फिल्म का नाम है, तो इसलिए इस फिल्म में कितना ज्वाला है? एक ही ज्वाला है, मैं ही हूँ। ज्वाला कितना, मतलब फिल्म में क्या क्या, मतलब क्या? एक ही ज्वाला भाई है जो पूरी तरह से ज्वाला मंडी बना रखा है उसने, हर जगह ज्वाला ज्वाला ज्वाला। बात करेंगे ब्रिजेश जी के बारे में, आपको सवाल ब्रिजेश जी तो इतने सीनियर हैं हमसे, इतनी उन्होंने कम से कम इतने लोगों को देखा है, इतने लोगों के साथ काम किया है, मैं उनसे क्या पूछूंगी, बस वही बताएंगे उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ काम करने का। ज्वाला मंडी इस फिल्म में सब ने अपना काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम जो रोल होता है ना,
वो अवधेश मिश्रा का। अवधेश मिश्रा ने इस फिल्म में वाकई ये प्रूफ किया है कि उनको किसी भी तरह का रोल दिया जाए तो कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। एक लड़की बनके या एक औरत बनकर, वो भी हिजड़ा बनके, करना मामूली बात नहीं है। एज एन एक्टर हर आदमी नहीं निभा सकता। और अवधेश पे वो जमा भी बहुत अच्छा है। और अवधेश उस पिक्चर पे देखने के बाद ये कोई नहीं कह रहा कि मर्द हैं, देखोगे और आप कहोगे कि चले आ रहे हैं, हाय हाउ आर यू, वही कुछ अदा दिखा दो ना यार, हल्की नहीं दिखा, तुम लोगों के सामने कहा था। अवधेश अवधेश सच्ची बोला अवधेश ने, आप लोगों के बात सही कही कि जब इसके सामने आए तो देख के हम लोग भी परेशान थे कि दो दो आइटम गर्ल्स खड़ी हैं। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि मैं अवधेश जी को छेड़ूँ। वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो जाता है हमारे डायरेक्टर साहब जगदीश शर्मा जी, मैंने जगदीश जी एक्चुअली वैसे हम लोगों ने काफ़ी फिल्में की हैं इनके साथ, और मेरी तो मैंने शायद एक के बाद एक फिल्में की। रानी जी आप तो करती ही रहती हैं। मेरी मेरी सेकेंड फिल्म होगी सर के साथ। और मैं बताना चाहूँगा इसमें रानी जी जी मुन्ना भाई की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा में उठाएले घूमता चांद देखले से हुई है जी जी जी, और वहाँ से लेकर अभी तक मुन्ना भाई ने मेरे बगैर कोई फिल्म नहीं बनाई है। तो मैं ये कहूँगा कि रानी मुन्ना भाई से पूछो कि ज्वाला मंडी बनाने में उनको कैसा लगा। जी सर आप बताइए, आप तो इतनी सारी फिल्में बनाई हैं आपने इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ, आपको ज्वाला मंडी बनाते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज्वाला मंडी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था मेरे लिए, लेकिन मेरे जो कलाकार थे, जो मेरे आर्टिस्ट थे, मेरे हीरो, मेरे हीरोइन अवधेश मिश्रा, सीमा जी वगैरह, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया, और जिस तरीके से इन्होंने मेरे बताए हुए काम जो मैं चाहता था वो किया, तो फिल्म मेरी बहुत इजी हो गई और बहुत प्यार से और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। ये आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, ये तो आप फिल्म देख कर ही डिसीजन लेंगे कि मैंने क्यों चुना, और आपको लगेगा कि मैंने जो चॉइस किया था वो करेक्ट। बीच में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अवधेश मिश्रा से बढ़िया हिजड़ा भोजपुरी में कोई बन ही नहीं सकता। अवधेश मिश्रा एक बहुत ही कमाल एक्टर है। मेरे साथ में 2-3 फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने डिफरेंट रोल किया, और इसमें तो असल में देखने जाते इस फिल्म के हीरो ही अवधेश मिश्रा। एक चीज़ में बताऊँ इस फिल्म के लिए, इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मजा लेता था मैं जब मुन्ना जी से सटता था। और कैसे हैं सर? ऐसे सटा नहीं कैट, मैं सामने जाऊँ ये शर्मा के भागते रहते थे मेरे। अभी इस फिल्म के हमारे दूसरे हीरो हैं विजय साहब, वो भी आए हुए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में। तो दो बातें आप इनसे भी